हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे और प्रिपरेशन में बिल्कुल भी अपना मोराल डाउन आपने नहीं करना है ठीक है कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते रहना है सो फ्रेंड्स लेबर वेलफेयर पार्ट वन फॉर यूपीएससी पी एस सी पर आज हम डिस्कस करेंगे ओके okay? uh, वेज कोड ऑलरेडी आपका डिस्कस कर चुके हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के वीडियो जो है वो भी आपको तीन पार्ट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं बाकी के भी मिल जाएंगे ओके उससे पहले लेबर वेलफेयर का थोड़ा सा काम कर लेते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा स्टैटिक थ्योरी वाला पार्ट रहेगा ये यहाँ पर आपके लिए ऑल राइट right? तो इसको शुरू करते हैं जल्दी से टॉपिक्स क्या क्या डिस्कस करने हैं सबसे पहले तो देखेंगे इंट्रोडक्शन टू लेबर वेलफेयर लेबर वेलफेयर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है वाई लेबर वेलफेयर इज इम्पॉर्टेंट लेबर वेलफेयर का एवोल्यूशन किस तरह से रहा इंडिया के अंदर तीन स्टेजेस देखते हैं हम एवोल्यूशन में ओके okay? उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे हिंदुस्तान के संविधान में क्या कोई प्रोविजंस हैं क्या कोई आर्टिकल्स हैं लेबर वेलफेयर से एसोसिएटेड तो ये देखेंगे बहुत सारे आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो इस पर्टिकुलर वीडियो से इस पर्टिकुलर पार्ट part से जो है वो डायरेक्टली फॉर्म हो सकते हैं ओके सो लेटेस क्विकली स्टार्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर वेलफेयर को आप डिफाइन किस तरह से करोगे ओके सो बेसिकली अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करने की कोशिश करो देन इट्स इट बिकम्स अ वेरी ब्रॉड टर्म ऑल राइट एंड इट इंक्लूड्स ऑल द बेनिफिट्स अमेनिटीज फैसिलिटीज जो एक एम्प्लॉयर अपने वर्कर या अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा रहा है और उस वर्कर और एम्प्लॉय की फैमिलीज को भी प्रोवाइड करा रहा है एंड दी वेलफेयर अदर देन द सैलरीज और वेजेस प्रोवाइडेड जो सैलरी है उस एम्प्लॉय की या वर्कर की वो लेबर वेलफेयर में नहीं आता सैलरी तो उसका जो वो काम कर रहा है उसके लिए उसको मिलना ही मिलना है लेबर वेलफेयर इज समथिंग विच इज सेपरेट फ्रॉम द सैलरीज और वेजेस राइट एंड वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर इज देखो सैलरी सिर्फ वर्कर को मिल रही है उसका काम करने के लिए ठीक है सैलरी एक वर्कर की वाइफ को नहीं मिल रही कि भाई तो योर हस्बैंड इज वर्किंग विद उस, सो विल गिव यू आल्सो द सैलरी ओके okay? सिर्फ वर्कर को मिल रही है लेकिन जो वेलफेयर होता है लेबर वेलफेयर होता है वो सिर्फ वर्कर के लिए नहीं होता इंप्लॉयर जो है वो वेलफेयर प्रोवाइड कराता है फैमिलीज के लिए भी ओके बिकॉज वेलफेयर क्या है कि आप उसकी वेल्बिंग के लिए चिंता कर रहे हो लेबर की लेबर जो वर्कर है आप उसके वेलबिंग के लिए काम करना कुछ चाहते हो तो अ पर्सन आइसोलेशन में तो रहता नहीं है कोई भी पर्सन उसकी फैमिली होती है अब उस वर्कर की अगर वाइफ को या उसके बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली द वर्कर इज नॉट हैप्पी सो लेबर वेलफेयर में पूरी फैमिली जो है या नियर एंड डियर वंस है वो आ जाते हैं अपने आप ऑल राइट एक रॉयल कमीशन ऑन लेबर बना था 1931 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था इंडिया के लिए ओके okay? तो उसने लेबर वेलफेयर टर्म को कैसे डिफाइन किया था वो देखो द टर्म वेलफेयर एज अप्लाइड टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स ज वन विच मस्ट बी ने इलास्टिक आप उसको फिक्स नहीं कर सकते लेबर वेलफेयर की डेफिनेशन को आप फिक्स नहीं कर सकते वो हमेशा इलास्टिक रहेगी उसमें चेंजेस आते रहेंगे ओके okay? और लेबर वेलफेयर की डेफिनेशन कंट्री टू कंट्री डिफरेंट भी होगी एक डेवलप्ड कंट्री यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इनमें लेबर वेलफेयर को आप सेम वे में डिफाइन नहीं कर सकते सेम बेनिफिट्स नहीं दे सकते आप यूएस के वर्कर को और इंडिया के वर्कर को यूएस के वर्कर की रिक्वायरमेंट कुछ और है है इंडिया के वर्कर की रिक्वायरमेंट कुछ और है. तो कंट्री टू कंट्री भी इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू सोशल कस्टम्स भी जो है इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी लेबर वेलफेयर की ठीक है उस कंट्री में कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या एजुकेशनल डेवलपमेंट है वर्कर्स की उसके ऊपर भी वेरी करेगा तो लेबर वेलफेयर को आप एज अ यूनिवर्सल डेफिनेशन में नहीं डिफाइन कर सकते आर यू गेटिंग इट ठीक है तो लेबर वेलफेयर को अगर हम ब्रॉडली देखें तो क्या फैसिलिटीज आ गई भाई वर्कर के लिए एडिक्यूट कैंटीन है रेस्ट और रिक्रिएशन फैसिलिटी है सैनिटरी और मेडिकल फैसिलिटीज हैं ट्रैवल की फैसिलिटीज है वर्कर की अकोमोडेशन की फैसिलिटीज हैं आर यू गेटिंग इट बाकी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है और हेल्थ इंश्योरेंस कवर कई बार स्पाउस के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है स्पाउस यानी कि वाइफ या हस्बैंड इन केस ऑफ द वर्कर ठीक है हॉस्पिटल में अरेंजमेंट्स किए जाते हैं मेडिकल बिल्स के ऊपर फैसिलिटी दी जाती है साल में एक बार पर्सन uh, को हॉलीडे पे जाने के लिए बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो इसमें पूरी की पूरी फैमिली इंक्लूड हो गई ना सिर्फ वर्कर तो नहीं है ना है ना चलिए अब अगर हम एवोल्यूशन की बात करते हैं लेबर वेलफेयर की इंडिया में तो तीन फेजेस में हुआ पहला फेज था एटीन से 1900 तक का ठीक है दूसरा फेज नाइनटीन से 1947 फोर्टी एंड द थर्ड फेज वाज 1947 फोर्टी सेवन ऑनवर्ड्स सो बेसिकली 1850 से 1900 का पीरियड वो था जब इंडिया में एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो थोड़ी सी स्पीड अप हो रही थी ठीक है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पीड अप हो रही थी फेज टू वो वाला फेज है जब क्योंकि फेज वन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी और कहीं ना कहीं जो लेबर क्लास थी उसका जो जो वर्कर क्लास था Uh, कहीं ना कहीं देवर फीलिंग कि उनके साथ जो है गलत हो रहा है सो अल्टीमेटली 1900 हंड्रेड टू नाइनटीन के पीरियड में लेबर uh, जो है इट विल यू नो कम एज अ क्लास एंड दे विल यू नो फाइट फॉर देयर राइट्स और ये वो पीरियड है जब वर्ल्ड वॉर वन जैसी सिचुएशन वर्ल्ड वॉर टू जैसी सिचुएशन भी हुई हैं रशियन रेवोल्यूशन हुआ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुआ है 1947 के पीरियड जो है इंडिया इंडिपेंडेंस ले, ले लेता है उसके बाद की बातें होती हैं right. तो एक एक करके ब्रीफली सबको देखते हैं तो फेज़ वन एटीन टू नाइनटी जैसे मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो ग्रो कर रही थी एंड लेबर वॉज एक्सप्लॉयटेड मोर एंड मोर बाय द एम्प्लॉयर्स फॉर इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट्स अब कुछ इनेक्टमेंट लेकर के आए गए एटीन एटीज एटीन के आस आज, पास कुछ एनेक्टमेंट लेकर के आए गए और इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि किसी तरह से जो वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन है वर्कर्स की वो इंप्रूव की जा सके क्योंकि ये फीलिंग था कि अगर जो लेबर uh, क्लास है इट फील्स दैट इट इज ओवर एक्सप्लॉयटेड एंड वो अगर रिबेल कर जाते हैं देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट एज वेल एज द गवर्नमेंट ठीक है तो कुछ कानून लेकर के आए गए लेकिन ये कानून बहुत लिमिटेड स्कोप में थे क्योंकि मेन एजेंडा एक कॉलोनियल गवर्नमेंट का प्रॉफिट मेकिंग था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था ठीक है कुछ एक्ट जैसे अप्रेंटाइज एक्ट लेकर आया गया जिसमें कहा गया कि भाई पुअर जो चिल्ड्रन है उनको ट्रेड एंड क्राफ्ट में आप सिखाएं फेटल एक्सीडेंट एक्ट लेकर के आया गया 1853 में कंपनसेशन दिया जाएगा फैमिलीज को अगर वर्कर जो है काम के काम करते हुए अपनी किसी एक्सीडेंट में ही लूजेज इज लाइफ मर्चेंट शिपिंग एक्ट हेल्थ ऑफ सीमेन एंड एक्टमेंट ऑफ इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट ये भी एक सिग्निफिकेंट स्टेप था ऑलराइट right. लेकिन अब जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1881 था इसकी लिमिटेशन क्या थी ये सिर्फ उन फैक्ट्रीज के ऊपर लगेगा जिनके पास 100 या 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और उस समय पे इतनी बड़ी फैक्ट्रीज बहुत कम हुआ करती थी जहां पर 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज हों ठीक है तो मेजर पार्ट ऑफ फैक्ट्रीज तो वैसे ही इस एक्ट से बाहर हो जाते थे अब ये यहां पर लिस्ट आपको देने का कारण क्या है अगर कुछ ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑर्डर पूछ लेते हैं क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं तो आपको पता चल गया एक्ट आया 1850 में फेटल एक्सीडेंट एक्ट एन में मर्चेंटिंग शिपिंग एक्ट 1859 में और आपका इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट एटीन में और उसके बाद एक दूसरा फैक्ट्रीज एक्ट आया था वो था एटीन नाइनटी वन के अंदर right. अब चलते हैं फेज टू के ऊपर अब डिसकंटेंट क्रिएट हो रहा है वर्कर्स के अंदर एक तो वर्किंग कंडीशन और ज्यादा डिफिकल्ट हो गई वर्ल्ड वॉर वन आ गया ठीक है ब्रिटेन से इंडिया के अंदर इंपोर्ट कम हो गए क्योंकि ब्रिटेन का मेन फोकस अब यूरोप था वर्ल्ड वॉर वन के समय पे यूरोप में सप्लाई करना था एंड ब्रिटेन वाज फोकस्ड ऑन दैट इंडियन इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिला जो इंडियन इंडस्ट्रियल हाउसेज थे उनको एक बूस्ट मिला क्योंकि अब प्रोडक्शन जो इंडिया की डिमांड है वो इंडिया फुलफिल करेगा ठीक है जैसे रेलवेज के लिए स्टील और आयरन चाहिए था तो पहले ज्यादातर सारा स्टील और आयरन इंपोर्ट किया जाता था, था इंडिया में ब्रिटेन से लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के समय 1919 तक पहुंचते पहुंचते 90 परसेंट जो सप्लाई था रेलवेज और स्टील और आयरन की डिमांड के लिए वो इंडिया में से ही निकाला जा रहा था ठीक है बिकॉज यूरोप ब्रिटेन वॉज बिजी इन सप्लाइंग टू यूरोप अब क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो करनी शुरू हुई तो वर्कर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ गया उनकी वर्किंग कंडीशंस और ज्यादा खराब हो गई उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन आ गया रशिया में रेवोल्यूशन हुआ इट वाज द रेवोल्यूशन ऑफ द वर्किंग क्लास ठीक है तो अब ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया वॉज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड हम किताबों में पढ़ रहे थे कि रशियन रेवोल्यूशन आया वर्कर्स ने ऐसे रेवोल्यूशन कर दिया एंड नाउ रशिया इज अ कॉम्युनिस्ट कंट्री वहां पर कोई ऊंचा नीचा नहीं है सब जो है बराबर हैं इस तरह की वर्कर्स ने बातें सुनी एंड देवर एनकरेज बाय दिस 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बन गई और इंटरनेशनल एजेंसी टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द वर्कर्स तो इन सब चीजों ने जो है एक इम्पेटस दिया सरकारें और इम्प्लॉयर्स दोनों को अब कहीं ना कहीं वेलफेयर एक्टिविटीज को उठाना पड़ेगा ठीक है और इंडिया में टाटा स्टील बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट स्टैब्लिशमेंट जिन्होंने लेबर प्रैक्टिस इंडिया में शुरू की इवन बिफोर लॉज वर मेड लेबर वेलफेयर से रिलेटेड एक ओके नाउ नवदेव वॉज अ रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1931 इसने भी काफी इन्फ्लुएंस किया वेलफेयर एक्टिविटीज को कंट्री में फिर एक लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी जिसको रेक कमेटी भी कहा जा, जाता है ठीक है ये 1944 में अपॉइंट की गई थी एंड मेन पर्पज क्या था लेबर वेलफेयर मेजर्स को इन्वेस्टिगेट करे कंट्री में इंपॉर्टेंट है सीधा सीधा सवाल पूछ लेंगे साल पूछ सकते हैं कि कौन से साल में बनी थी या लेबर वेल्यू इन्वेस्टिगेशन कमेटी के हेड कौन थे मिस्टर रीक, तभी रीक कमिटी इनको इसको कहा जाता है right, अब इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट जो है 1946 में सबमिट की और इस कमेटी ने रिकमेंड क्या किया द रिकमेंडेशन दैट वर मेड बाई दिस पर्टिकुलर कमेटी ओके सो द कमिटी रिकमेंडेड द एक्सटेंशन ऑफ द स्कोप ऑफ लेबर वेलफेयर टू इंक्लूड मेजर्स लाइक एजुकेशन हेल्थ केयर रिलीफ इन केस ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ तो ये सारी रिकमेंडेशन इसने दी बहुत ज्यादा डिटेल में हमें रिकमेंडेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा से ज्यादा कमिटी का नाम पूछा जाएगा साल पूछा जाएगा ऑल राइट right, चलो उसके बाद आता है फेज थ्री 1947 हिंदुस्तान आजाद हो चुका था और आजाद हिंदुस्तान का जब संविधान बना या जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो मेन एजेंडा लेकर के चला था वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल ठीक है और एक मेजर सेक्शन सोसाइटी का था वर्किंग क्लास इसी वजह से बहुत सारे वेलफेयर लेजिसलेशन जो हैं इंडिपेंडेंस के बाद लेकर के आए गए जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया 1948 का प्लांटेशन लेबर एक्ट हो गया 1951 का माइंस एक्ट लेकर के आया गया 1952 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉल्यूशन एक्ट लेकर के आया गया 1970 में ठीक है तो ये सारे एक्ट कहीं ना कहीं इनमें प्रोविजन रखे गए लेबर के वेलफेयर के लिए वंस अगेन क्रोनोलॉजी आप थोड़ी सी इसको दिमाग में रख लेना अगर वो सवाल पूछेगा तो लेबर वेलफेयर फंड बनाए गए वर्कर्स के वेलफेयर के लिए फंड्स क्रिएट किए गए जैसे कोल माइन लेबर वेलफेयर फंड एक्ट आयरन और माइंस लेबर वेलफेयर सेस एक्ट बीडी वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट तो बहुत सारे ऐसे वेलफेयर फंड्स भी बनाए गए फॉर वर्किंग टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द वर्किंग क्लास ओके okay. तो ये तीन फेजेज हैं जैसे जिससे इंडिया में आप एवोल्यूशन जो है उसको समझ सकते हो लेबर वेलफेयर का अब बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर वेलफेयर की क्या क्या कुछ प्रोविजंस हैं हमारे संविधान में लेबर वेलफेयर से रिलेटेड सबसे पहले तो जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं तो लेबर वेलफेयर का कंसेप्ट जो है मेनली आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लेबर वेलफेयर लेट अस सी देम वन बाय वन

फिफ्टी वन आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के ये आपको मुंह याद होने चाहिए इट विल हेल्प बोथ इन योर पॉलिटी सब्जेक्ट एज वेल एज इन योर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ दोनों में आपको हेल्प करेगा ठीक है तो आर्टिकल थर्टी एट प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल फिर आर्टिकल फोर्टी वन इसमें क्या लिखा है सिक्योरिंग द राइट टू वर्क ठीक है टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अन बेरोजगारी भत्ता ये पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के चलते ही मनरेगा लेकर के आया गया था है ना ओल्ड एज सिकनेस डिसेबलमेंट तो इन सब केस में पब्लिक असिस्टेंस लोगों को मिलनी चाहिए एंड इन अदर केसेस ऑफ अनडिजर्वड वॉन्ट ऑलराइट तो राइट टू वर्क टू एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस तो कहीं ना कहीं लेबर वेलफेयर की यहां पर भी बातें हो गई अच्छा ये पह, पहले आर्टिकल आपको सोशल सिक्योरिटी में भी काम आएंगे अब आर्टिकल है है एक तरह से ये सोशल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट भी कवर कर रहा ना कि भाई जिसके पास काम नहीं है उसको काम देना है एजुकेशन देना है ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना है ओल्ड एज में असिस्टेंस प्रोवाइड करना है सिकनेस में असिस्टेंस प्रोवाइड करना है तो ये आर्टिकल आपने रट लेने हैं लिटरली ओके okay. उसके बाद आर्टिकल फोर्टी टू आर्टिकल फोर्टी टू क्या कह रहा है वुमेन वर्कर्स फॉर द वुमेन एम्प्लॉइज वेलफेयर की बात हो गई आर्टिकल फोर्टी थ्री सिक्योर ऑल द वर्कर्स एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल और अदरवाइज वर्क अ लिविंग वेज लिविंग वेज यानी कि वेजेस जो है दे शुड बी गुड लिविंग वेज का क्या मतलब होता है कि अगर आपने एक पॉवर्टी लाइन डिस्क्राइब कर दी कि एवरी वन नीड्स फिफ्टी रुपीज अ डे फॉर लिविंग अ गुड लाइफ देन फिफ्टी से कम उसकी वेज नहीं होनी चाहिए इन एनी केस कंडीशंस ऑफ वर्क गुड होनी चाहिए वेज शुड बी दिस मच दैट ही कैन लिव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ये नहीं कह रहे कि आप उसको बहुत ज्यादा वेजेस पे कीजिए बहुत हाई सैलरीज पे कीजिए बट सैलरी शुड बी सच दैट ही इज एबल टू लिव अ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिसेंट लाइफ ओके एंड ही कैन एंजॉय द वेरियस लीजर्स एंड एंड सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज ये एज इट इज वर्डिंग लिखी हुई है आपके आर्टिकल फोर्टी थ्री में उसके बाद आर्टिकल फोर्टी सेवन लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इंप्रूव करना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंप्रूव करना है पब्लिक हेल्थ लोगों की इंप्रूव करनी है ठीक है पब्लिक हेल्थ वेलफेयर एक्टिविटीज में अगर इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है उसको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कर रहा है इन द कैंटीन जो है वो है कि ही ही कैन इज एबल टू अफोर्ड अ न्यूट्रिशियस फूड देन ऑटोमेटिकली लेबर वेलफेयर हैज बिन डन राइट चलिए उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की फंडामेंटल राइट्स में लेबर वेलफेयर की बात कहां हो रही है आर्टिकल 19 में छह अधिकार दिए गए हैं फ्रीडम से रिलेटेड ठीक है उनमें से एक दैट इज आर्टिकल नाइनटीन वन सी उसमें क्या लिखा गया टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस सारे भारतीयों का अधिकार है कि वो एसोसिएशन और यूनियंस बना सके तो इंप्लाइज का भी अधिकार है कि वो ट्रेड यूनियंस बना सके ठीक है उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आपका आर्टिकल ट्वेंटी थ्री है क्या कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर आप जबरन किसी से फोर्स लेबर नहीं करा सकते अगर आप करा रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली इन है आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर को रिस्ट्रिक्ट करता है प्रोहिबिट करता है फैक्ट्रीज में लेबर वेलफेयर वंस अगेन ठीक है तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो कंसर्न है रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर एंड दीज वर योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे से आपने रट लेने हैं ये ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें बन सकते हैं चलिए तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कंक्लूड अगर हम करें तो ऑब्जेक्टिव क्या हुए लेबर वेलफेयर के वर्कर्स की कंडीशन को इंप्रूव करना इफ द कंडीशन ऑफ द वर्कर विल इंप्रूव देन डेफिनेटली हिज मोराल विल ऑल्सो इंप्रूव ऑल राइट मोरल इंप्रूव होगा तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी इफ द वर्कर इज हैप्पी एंड द प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज नाउ द इंप्लॉय हैप्पी बिकॉज ही इज बिंग ही इज गेटिंग इंप्रूव वर्किंग कंडीशन्स ठीक है इसकी वजह से उसका मोरल इंप्रूव हुआ तो वो छुट्टी भी कम मारेगा या कंपनी को छोड़कर भी नहीं जाएगा ठीक है तो अब इंप्लॉय सेटिस्फाइड है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी अब प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी तो इंप्लॉयर भी सेटिस्फाई हो गया क्योंकि उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगी जब इंप्लॉय भी सेटिस्फाइड है इंप्लॉयर भी सेटिसफाइड है ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री में पीस रहेगा पीस इंडस्ट्रियल पीस कब खराब होता है वेन देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉयर बट नाउ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट देन ऑटोमेटिकली इट विल रिजल्ट इनटू इंडस्ट्रियल पीस एंड इस वजह से जो एम्प्लॉयर की इमेज है वो भी एनहांस होती है इफ द एम्प्लॉयर इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स इन हिज ऑर्गेनाइजेशन देन ऑटोमेटिकली हिज इमेज इंप्रूव्स एवरीवन वांट्स टू जॉइन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लाइक फॉर एग्जांपल गूगल गूगल अगर आप देखो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है एवरी वन वॉन्ट्स टू ज्वाइन गूगल टू वर्क इन गूगल बिकॉज गूगल पर आप काम करने लगो आपको टाइमली पैसे नहीं मिलते हैं आपको टाइमली चाहिए तो वो नहीं मिलता है छुट्टी नहीं मिलती है वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है नो वन वॉन्ट्स टू वर्क इन सर्च ऑर्गेनाइजेशन ओके तो इम्प्रूव होती है इमेज इंप्लॉयर की भी चलिए तो इस वीडियो में हमने ये तीन ब्रॉड uh, टॉपिक्स जो हैं वो करने थे कवर कर लिए हैं लेबर वेलफेयर के अभी और भी पार्ट्स हम देखेंगे थ्योरीज भी हम करेंगे कुछ लेबर वेलफेयर से right? so, रिलेटेड और राइट सो जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने ज़रूर करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके एंड जो बच्चे कोर्सेज़ uh, के लिए बोल रहे हैं पेड एम कोर्सेज के लिए एम कोर्सेज विल बी सून अवेलेबल इन अ डे और टू सो डोंट वरी अबाउट दैट मिलते हैं तब तक फिर नेक्स्ट क्लास में आपने जोरों शोरों से पढ़ना है लगे रहिए मैं भी अपनी तरफ से मैक्सिमम कंटेंट डालने की कोशिश करता रहूँगा ओके बाय बाय